आज की वीडियो में जिस पुराने एलईडी बल्ब को आप कबाड़े में बेच दिए थे या फिर बेचने वाले हो, उसी बल्ब की मदद से दिवाली के लिए बहुत ही सुंदर डेकोरेशन लाइट बना के दिखाने वाला हो, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर फेंक दिया है इस तरीके के बल्ब को, तो वापस लाके इस वीडियो को देखने के बाद इस तरीके का डेकोरेशन लाइट खुद बना लेना। अब हमें कुछ इस तरीके का एलईडी बल्ब लेना है। इसके हमें डिफ्यूज़र को निकाल लेना है। इसके अंदर का किसी भी चीज़ का ज़रूरत हमें नहीं है, ना हमें सर्किट रखना है, ना हमें हीट सिंक रखना है। तो कुछ इस बॉडी का हमें यहाँ पर दिवाली डेकोरेशन लाइट बनाना है। और फिर हमें लेना है जो बाहर से हम बाइक में लगाते हैं लोगों को अंधा करने के लिए, ये वाला फोक्सिंग लाइट। इसको आपको कबाड़े में से ये मिल जाएगा, इसे लेना है। और इसके अंदर का हमें जो लगा हुआ रिफ्लेक्टर है उसको निकाल लेना है। तो ये देखिए, ये रिफ्लेक्टर हमें चाहिए यहाँ से। तो आप आसानी से इसको बाइक रिपेयरिंग के शॉप में जा कर के ला सकते हैं, वो आपको फ्री में भी दे सकते हैं। इसका भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों को लेने के बाद हमें लेना है फिर RGB LED, जो कि ये कुछ इस तरीके की छोटी LEDs है। और इस RGB का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू, इस तरीके से जलने वाली ये छोटी सी LED, जो कि रात में काफ़ी उजाला करती है। और जब आप नई LED लाओगे तो उसमें आपको दो पैर भी साथ में मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर एक बड़ा पैर और यहाँ पर एक छोटा पैर। जो छोटा पैर है वो है नेगेटिव और जो बड़ा पैर है वो है पॉजिटिव। यानी नेगेटिव पॉजिटिव आपको किस तरीके से समझना है ये आपको मैंने बता दिया। जो बड़ा है वो पॉजिटिव, जो छोटा है वो नेगेटिव। और फिर यहाँ पर इस रिफ्लेक्टर में जितने होल है उतने में LED लूँगा। अब यहाँ पर ये एक हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये चौथी, और ये पांचवी, और ये छठी। मतलब यहाँ पर 6 होल है, तो मैं 6 LED यूज़ करूँगा। अब इनको लगाना बहुत ही आसान है। जो भी आपको लगाए, मतलब आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। काफ़ी जो है इसको अच्छे से प्रेस कर दो और ये वापस नहीं निकलेगा, तो कुछ इस प्रकार। और जैसे ही लगाओ वैसे मोड़ते जाओ, जिससे कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव है वो कनेक्शन साथ में हम कर सके। और सारे पॉजिटिव जो बड़े वाले पैर है वो हमें एक साथ ऐसे मोड़ने हैं, और ये ध्यान से मोड़ने हैं। मैं जब मोड़ रहा था तो देखिए ये यहाँ पर एक छोटा सा जो LED का पैर है वो टूट गया। कोई बात नहीं, मैंने उस LED को फेंका नहीं, यहाँ पर मैंने दूसरा कॉपर का वायर जोड़ के ये यूज़ किया। और जैसे पॉजिटिव हमने मोड़े एक साथ मिलाए, वैसे ही हमें जो नेगेटिव है वो भी एक साथ मिलाने हैं, कुछ इस प्रकार। मैं दो दो को पास कर रहा हूँ। अब सारे पॉजिटिव हमें शोल्ड कर देने हैं। और फिर सारे नेगेटिव जितने हमने पास किए हैं वो हमें जोड़ लेने हैं। और अब सारे जो नेगेटिव है उनको भी हम कॉपर की वायर की मदद से जोड़ देंगे। और इस वाली को यहाँ पर, तो कुछ इस प्रकार आपको कनेक्शन करना है। सारे पॉजिटिव हमने बीच में मिला लिए और सारे जो नेगेटिव है
वो दो दो के पेयर में मिला करके फिर कॉपर की वायर की मदद से सारे एक जगह पर कनेक्ट कर दिए। और फिर हमें मोबाइल का चार्जिंग केबल लेना है जो ख़राब मेरे पास पड़ा हुआ था। अब इस केस में क्या हुआ है, जो वाइट वाला वायर है वो पॉजिटिव नहीं है, जो येलो वाला वायर है वो पॉजिटिव है और जो ये वाइट है वह नेगेटिव है। अक्सर केस में क्या होता है, जो कलरिंग वाला वायर होता है वो नेगेटिव होता है और जो जहाँ पर वाइट हो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। तो हमें जो येलो वाला वायर है वो यहाँ पर बीच में जोड़ना है और फिर इसको यहाँ पर जोड़ना है। तो पहले हम ये दोनों इस होल में से वायर निकाल लेते हैं अंदर की ओर और फिर कनेक्शन करते हैं। तो येलो वाला पॉजिटिव, वाइट वाला नेगेटिव। अब मैं आपको एक बार इसको चला के दिखाता हूँ। चलाने के लिए यहाँ पर मैं अपने मोबाइल का जो 5 वोल्ट का अडेप्टर है वह मैं चार्जर अडेप्टर ले रहा हूँ। इसको हम जैसे हम अपना मोबाइल का चार्जिंग करने के लिए ऐसे डालते हैं वैसे ही हमें डालना है और सिंपली से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हमें डाल देना है। यहाँ पर देखिए काफ़ी मस्त तरीके से जो है RGB लाइट जल रही है। ये देखिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं और अंदर की ओर चिपका देते हैं ग्लू गन की मदद से। तो करते हैं स्टूडियो के सारे लाइट ऑफ और इस लाइट को ऑन करते हैं। ओ भाई साहब काफी मस्त काम कर रहा है। और ये देखिए मैं हाथ में पकड़ के, ओ भाई साहब